अगर ईवीएम को नहीं उखाड़ के फेंका, बीजेपी को नहीं उखाड़ के फेंका जा सकता और 2024 के बाद इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस सरकार को बर्खास्त किया जाए जो सरकार अब बनी है उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, और दोबारा से चुनाव कराया जाए बैलेट पेपर से। इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है और जो वर्तमान सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में है ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे महाभारत में चीरहरण आपने सुना होगा। ये चीरहरण नहीं है, ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है, इस देश के संविधान को पैरों तले कुचलना। 2 अप्रैल को दिल्ली में रानी झांसी रोड पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन में एक हमने सभा रखी है 2 अप्रैल को, स्ट्रांग रूम में यार जमा होती है। तो उसने कहा कि भाई जब 2 ईवीएम दी जाएंगी मुझे और जो पहले से ही मैनिपुलेटेड ईवीएम है वो ईवीएम ही जब स्ट्रांग रूम में जमा होंगे तो गिनती तो उसी की होगी ना। सारी चीज देखिए, आपने 2 ऑडियो बड़ी जबरदस्त तरीके से वायरल है जिसमें एक कासमाबाद जो गाजीपुर जनपद है, आज इस प्रेस वार्ता में आए हुए मेरे सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देता हूं, मेरे साथ हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विजय कुमार साहब हैं, मेरे साथ हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हिजम राजन सिंघा साहब हैं जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे इंचार्ज भी हैं, मेरे साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के चौधरी कृष्णपाल सिंह जी भी हैं, मेरे साथ में हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री शिवराज सिंह जी भी हैं, गौतम बुद्ध नगर से हमारे जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ में है राजकुमार जी, और गौतम बुद्ध नगर से महासचिव एडवोकेट प्रेम सिंह जी भी हमारे साथ में हैं, और एक और हमारे बीच में हैं आदरणीय शर्मा जी जो LIU से हमारे यहाँ आए हुए हैं, वो भी हमारे बीच में हैं आप सबके सामने। अब वो बात जिसके लिए हमने प्रेस वार्ता बुलाई है आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, अभी 10 मार्च को 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, इन चुनावों में विशेषकर उत्तर प्रदेश पंजाब में जो ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, और केवल ईवीएम में ही नहीं, जो शासन और प्रशासन के अधिकारी हैं जिनमें विशेषकर IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स यानी कलेक्टर और SP SSP और पुलिस के और लोग शामिल हैं, इन सब ने जहां पे बीजेपी हार रही थी वहां पर जबरदस्ती बीजेपी को जिताया और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जो लोग थे, जो प्रत्याशी थे, उनको हराया। इसके विषय में आप सारे मीडिया के सारे साथी हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हैं, ऑडियोस भी वायरल हैं। वीडियोस तो आपने देखे हैं ईवीएम कैसे कचरे के ढेर में मिल रही है, और किस तरह से बनारस में देखा कि 3 गाड़ियां ईवीएम को लेकर जा रही थी जिनमें 2 निकल गई और 1 पकड़ में आ गई, और उसमें देखा आपने किस तरह से ईवीएम पकड़ी गई। इसके अलावा आपने वीडियोस देखी हैं कि लोग जो प्रिजाइडिंग जो पार्टी है, पोलिंग पार्टी, वो किस तरह से बिल्कुल रोड पे, सड़क पे हाथ में ईवीएम को लेकर जा रही है, जबकि ये कोई नियम नहीं है। ईवीएम बहुत महत्वपूर्ण एक दस्तावेज है, एक मशीन है, सारा रिजल्ट उस ईवीएम मशीन में है, जिसको लेकर ऐसे ही आम आदमी की तरह वो जा रहे हैं बिना किसी सुरक्षा के। और मैं बताऊंगा कि ये सब क्या है, किस लिए हुआ है, वो सारी चीज बताऊंगा आपको। तो ये सारी चीज देखिए, आपने 2 ऑडियो बड़ी जबरदस्त तरीके से वायरल हैं जिसमें एक कासमाबाद जो गाजीपुर जनपद है उसमें जहूराबाद विधानसभा के अंदर एक कासमाबाद इलाका है, मैं कासमाबाद इलाके में जिस दिन रैली हुई माननीय अखिलेश यादव जी की और ओम प्रकाश राजभर जी की, उस रैली में मैं मंच पर था, उस इलाके के एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी के जो ऑडियो वायरल है, मैं समझता हूं उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती, हर चीज उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्लियर की है। उसमें साफ बताया कि किस तरह से बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में ईवीएम में धांधली की गई है, ईवीएम बदली गई। जब उससे कहा गया कि आपको शिकायत करनी चाहिए
तो उसने कहा भी शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन एसओ ने, एसओ मतलब स्टेशन ऑफिसर यानी दरोगा, जो थाना अध्यक्ष है दिल्ली में, एसएचओ बोलते हैं उसे, स्टेशन हाउस ऑफिसर, लेकिन यहां पर एसओ बोलते हैं, जो थाना अध्यक्ष होता उत्तर प्रदेश में, तो उसने कहा कि एसओ ने धमका दिया कि मास्टर जी नौकरी भी जाएगी और जेल भी जाओगे। और फिर उसने यह भी कहा कि वो कहते नहीं है, कर भी देते हैं, इसलिए हम चुप लगा के बच्चे भी तो पालने हैं। इसके बाद में उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम में यार जमा होती है, तो उसने कहा कि भाई जब दो ईवीएम दी जाएंगी मुझे और जो पहले से ही मैनिपुलेटेड ईवीएम है वो ईवीएम ही जब हम स्ट्रांग रूम में जमा होंगे तो गिनती तो उसी की होगी ना, तो बाहर से लाने की क्या जरूरत है। इसका मतलब यह है कि ऊपर से चुनाव आयोग वो इस पूरे खेल में शामिल है, उसी के माध्यम से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से उनको दो दो ईवीएम दी गई और एक ईवीएम जिसमें वोटें पड़ी हैं एक्चुअल में उसकी गिनती ही नहीं हुई, वो स्ट्रांग रूम में जमा ही नहीं हुई और वो मशीनें जमा हुई जो पहले से मैनिपुलेटेड थी, जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए सारा खेल किया गया। उस ऑडियो से सारी चीजें क्लियर है। इसके अलावा जो और चीजें हुई है साथियों, एक बिजनौर क्षेत्र का एक ऑडियो आपके सामने हो रहा होगा कि जो वहां पे बढ़ापुर विधानसभा से जो विधायक जीता है उसका एक आदमी और दो और लोग हैं उनके बीच की वार्तालाप है, और उसमें बहुत स्पष्ट उसने कहा है कि जब हम बढ़ापुर से जीत गए तो हम और विधायक जी दूसरे में गए, तो नेटवर वाली में गए, नूरपुर वाली में उधर हम गए, जाके जब वहां पूछा तो देखा वहां पे हमने फिर उनको फोन करवाया विधायक जी से, चीफ सेक्रेटरी को यानी उत्तर प्रदेश सरकार का जो मुख्य सचिव है उसको फोन किया, उसने डीएम को कहा और फिर डीएम ने वो दो सीटें जिन पर बीजेपी हार रही थी कलेक्टर के माध्यम से उनको जीता हुआ घोषित करवाया गया, शायद एक में 290 वोट के आसपास और एक में 206 के लगभग वोट है, इतने ही अंतर से वो तीसरी सीट के लिए भी कहा गया, लेकिन कलेक्टर ने कहा भाई बहुत लंबी जीत वो है, अंतर 10-15 हजार का अंतर है, उसे कहां से ठीक करूंगा मैं। ये सारी चीजें उन ऑडियो में आ रही है, क्लियर आ रही है। इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, और जो वर्तमान सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में है और जो सरकार पंजाब में है ये जनता के मत से चुनकर नहीं आई, ईवीएम में चुनाव आयोग के द्वारा बेईमानी करके, धांधली करके, गड़बड़ी करके उनको सत्ता में लाया गया है। यह साधारण बात नहीं है साथियों। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ लोग रहते हैं, 15 से 16 करोड़ मतदाता हैं, उनके साथ छल है, उनके साथ धोखा है। यह बिल्कुल इस तरह से है जैसे महाभारत में चीरहरण आपने सुना होगा, यह चीरहरण नहीं है, यह सरेआम लोकतंत्र की हत्या है, इस देश के संविधान को पैरों तले कुचलना है। अफसोस, इस देश की तमाम न्यायपालिका, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सब बिल्कुल गांधी जी के तीन बंदर की तरह बैठे हुए हैं, न उन्हें कुछ दिखाई देता है, न उन्हें कुछ सुनाई देता है, न ही वो कुछ बोलते हैं। यह स्थिति आज की तारीख में है, जो बहुत ही गंभीर स्थिति है। जो वीडियो आपको दिखाई देती हैं, जो ऑडियो आप सबको आम आदमी को सुनाई देती हैं, क्या उन्हें सुनाई नहीं देती? रही इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन जो इस बेईमानी में पूरी में शामिल है, जो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, उससे बात ही क्या करनी, उसके विषय में बात ही क्या करनी है। यह सब कुछ हुआ है और एक नहीं बड़े पैमाने पर यह चीजें लगातार आ रही हैं। इसके लिए इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, जो सरकार अब बनी है उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, और दोबारा से चुनाव कराया जाए बैलेट पेपर से, और ईवीएम को हमेशा के लिए इस देश की चुनावी प्रक्रिया से हटाया जाए और सारे चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से हो और एक ही दिन में चुनाव हो, और चुनाव की वोटिंग जिस तरह से जिस समय बंद हो जाए उसके 3-4 घंटे बाद ही तुरंत काउंटिंग शुरू होनी चाहिए, सारी प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति कहीं किसी कोने से देखे वो उस पर उंगली ना उठा सके, ये सारी चीज होनी चाहिए। इसी बात को लेकर हम, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जन संघर्ष पार्टी, आने वाले समय में बहुत जल्दी हम देशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, और ये वीडियो जहां तक भी पहुंच रही है, मैं जानता हूं करोड़ों लोग देख रहे हैं, मैं जानता हूं इस बात को,
क्योंकि जो भी ईवीएम के ऊपर मैंने सारी डिटेल बताई हैं पहले से भी, वो सब चीज करोड़ों लोगों ने देखी है। मैं उन्हीं सब लोगों से निवेदन करता हूं, देश के लोगों से निवेदन करता हूं, इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, और न्यायपालिका से गुहार करनी है कि जो संविधान को बचाने की, रक्षा करने की आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज उस जिम्मेदारी को निभाएं और उत्तर प्रदेश और पंजाब के जो चुनाव हैं इनको कैंसिल करके, ईवीएम को हमेशा से खत्म करके आप दोबारा से चुनाव कराएं। इसमें जो हम लोग करेंगे, मैंने आपको बताया कि हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे, केंद्र लेवल से लेकर यानी राजधानी दिल्ली से लेकर हर प्रदेश की राजधानी में, हर मंडल में, हर जिले स्तर पर, लोकसभा और विधानसभा स्तर पर और तहसील स्तर तक पूरा आंदोलन होगा। लंबा आंदोलन चलेगा लेकिन हम इस आंदोलन को पूरी ताकत से करेंगे। जितना भी हम में दम है, मैं आप सबके माध्यम से, सारे मीडिया के माध्यम से, जो जितने भी लोग इस वीडियोस को देखें उन सबसे निवेदन करता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस आंदोलन में हमारा साथ दें। तन मन और धन हर तरह से इस आंदोलन में साथ दें साथियों। अगर यह आंदोलन लड़ा नहीं गया, ईवीएम को इस चुनावी प्रक्रिया से निकाला नहीं गया, बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 2024 के चुनाव की कह नहीं सकता, हो सकता ना भी हो लोकसभा का, लेकिन अगर हो भी गया तो लिख लेना मेरी बात आप, 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, इस देश में राजतंत्र स्थापित करेगी, देश के संविधान को खत्म करेगी और जो संविधान मनुस्मृति पर आधारित है उसे वो लोग लागू करेंगे। और मनुस्मृति का संविधान अपनी बहन बेटियां भी अधिकार विहीन उस संविधान में हैं। ये सारी चीजें हैं, इसलिए इस आंदोलन ने ईवीएम के आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। मैं जानता हूं बहुत साथी लगातार फोन कर रहे हैं, लगातार साथी इस आंदोलन में हमारा साथ देने के लिए, बढ़ चढ़कर साथ देने के लिए आगे भी आ रहे हैं, तैयार भी हो रहे हैं, हमें मैसेज भी भेज रहे हैं। मैं साथियों आपको दो चीजें बताना चाहूंगा इस सारी चीज में। मेरा फोन नंबर है 7840868666, हिंदी में बोलता हूं 78 40 86 66। जो भी साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं, इस नंबर पर मैसेज करें, अपना नाम, अपना पता, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, ताकि हमें पता लगे कौन साथी कहां से हमारे इस आंदोलन में जुड़ना चाहता है, साथ देना चाहता है। इसके अलावा एक और मैं आपको सूचना देना चाहता हूं साथियों, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनसंघर्ष पार्टी का एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल। मैं नहीं जानता कि आज के बाद में उस चैनल को चलने भी दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे साथ में एलआईयू के साथी बैठे हैं, तो सरकार को अब हमारी जानकारी है और निश्चित रूप से सरकार इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से वाच कर रही है। फिर भी एक चैनल है RJSP भारत का सच, RJSP भारत का सच, इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे साथी मीडिया के हैं हम इनको नहीं बुला पाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी जिस दिन ईवीएम के विषय में मुझे जितनी जानकारी मिली, 9 फरवरी को, 10 फरवरी को पहले फेज का चुनाव होना था, 9 फरवरी को जानकारी मिली, हमने रात में ही वो वीडियो बना के उस अपने चैनल पर डाला, बहुत सारे लोग नहीं देख पाए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे तो सूचना कई बार इमरजेंसी में पहुंचाने के लिए हो आपको पहुंच सके, सारी सूचना इस पर आपको मिलेंगी मीडिया के साथियों के साथ साथ। तो आंदोलन, इसमें आप जो आंदोलन की कड़ी में सबसे पहले जितने भी साथी देख रहे हैं, 2 अप्रैल को दिल्ली में रानी झांसी रोड पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन में एक हमने सभा रखी है, 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार 11 बजे से 3 बजे तक यह प्रोग्राम चलेगा और उसमें व्यापक रूपरेखा जो है इसकी बना के उसकी घोषणा की जाएगी।
बनाई हमने भी यह रूपरेखा, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे देश के लोग उसमें शामिल हो, उनकी भागीदारी हो, वो लोग आके इस सारी रूपरेखा में अपना बताएं, योगदान करें और हम घोषित कर सकें। और एक बात और आपके बीच में, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, छोटे हों या बड़े हों, देश में कहीं भी हैं, उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। हम इसके अलावा हम लेटर भी उनको भेजेंगे, लेकिन लेटर ना भी मिले तो इस मीडिया के माध्यम से मेरी उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। यह मेरा व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, हमारी पार्टी का कोई अपना पर्सनल आंदोलन नहीं है, हमारे साथियों का, यह देश को बचाने का आंदोलन है, देश के लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, आने वाली पीढ़ी को बचाने का आंदोलन है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ईवीएम को नहीं उखाड़ के फेंका, बीजेपी को नहीं उखाड़ के फेंका जा सकता, और 2024 के बाद इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, राजतंत्र स्थापित होगा, और फिर ना आपकी बच्चे सलामत रहेंगे, ना आपकी शिक्षा, ना रोजगार, कुछ नहीं। आज ही आपकी क्या हालत है वो सब देख रहे हैं आप। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों से, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हो, चाहे अनरजिस्टर्ड हो, चाहे राज्य पार्टियां हो, छोटी हो बड़ी, सबसे निवेदन है इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। 2 अप्रैल को अंबेडकर भवन दिल्ली में, नई दिल्ली में, आइए रानी झांसी रोड पर। इसके अलावा साथियों, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, वो सारे सामाजिक संगठन, उनसे निवेदन है, जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे भी निवेदन है, इस महाआंदोलन में साथ दीजिए। यह आंदोलन हम पूरे देश में करेंगे, हर जिले में करेंगे, हर राजधानी में करेंगे, प्रदेश की में, केंद्र में होगा, हर स्तर पर होगा, डिसाइड होगा सबसे बात करने के बाद। इसके अलावा साथियों, मैं आप सबसे एक चीज और कहना चाहूंगा, जो आंदोलन होगा उस आंदोलन का केवल झंडा एक ही होगा, हमारा तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय झंडा, जो राष्ट्रीय ध्वज है वही झंडा लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जो पार्टियां, जो संगठन आएंगे, उनके अपने बैनर होंगे, पोस्टर होंगे, जैसे भी होगा वो सब डिसाइड करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन झंडा एक ही रहेगा, राष्ट्रीय झंडा। इसीलिए मैंने आज मेरे मीडिया के साथी सबको बुलाया है और इनके माध्यम से इस सूचना आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझेंगे, क्योंकि अगर ईवीएम है तो आपका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में। ध्यान रखिए कि बीजेपी और मोदी सरकार इस देश के 110 से 120 करोड़ लोगों को गुलाम कराने के लिए पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। सीएनआरसी का भी जो आंदोलन हम लोगों को करना पड़ा, सीएनआरसी का कानून भी, वो भी इसी तरफ था, कृषि कानून भी इसी तरफ थे, और अब जो सारी चीजें हो रही वो सब कुछ इसीलिए है। आपकी आवाज भी बंद की जाएगी, यह भी हो सकता है कि आज के बाद में मुझे बंद कर दिया जाए जेल में, इस बात की चिंता नहीं करना, मुझे मेरे साथियों को इससे फर्क नहीं पड़ता, आंदोलन नहीं रुकना चाहिए साथियों। हो सकता है बीजेपी वाले क्योंकि मुझे धमकी भी देने लगातार, मार भी दे मुझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आते जाते रहते हैं, आंदोलन नहीं मरते हैं कभी भी, वो चलते रहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, यही बात। इसलिए आपसे निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, जो भी लोग इस आंदोलन में साथ देना चाहते हैं। मैंने जो नंबर बताया 7840868666, इस पर हमें मैसेज कीजिए लगातार, फिर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कीजिए, बस यही बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। अब मीडिया के साथी जो सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।